मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा नौवीं हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो आपके फाइनल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा के दिन देखने को मिलेगा। देखिए बाकायदे इसकी प्रिंटेड नोट्स बनाई जा रही है, टेंशन मत लो, आपके सामने एक एक चीज कवर कर दिया जाएगा, बस बढ़िया वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। अभी तो मैं क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन करवा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर वे में मेरी नोट्स आएगी आपके सामने और आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज पढ़ाया जाएगा। वीडियो में तक बने रहना, डेफिनेटली मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। जिस प्रकार से आपने देखा कि कक्षा दसवीं के बच्चे डेली तबाही मचाते हैं, पूरे का पूरा पेपर फाड़ कर जाते हैं, सेंटर हिलाते हैं, ठीक वैसे ही आपको मेरे साथ जुड़ना है। देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका नवीनतम ब्लू प्रिंट, कुछ इस प्रकार से चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक नजर देखते हैं, क्षितिज भाग एक काव्य खंड से 17 नंबर का आएगा, काव्य बोध से 10 नंबर का आएगा, गद्य खंड से 17 नंबर का आएगा, आपके भाषा बोध से 8 नंबर का, कृतिका भाग 1 से 8 नंबर का, अपठित बोध से 4 नंबर का, पत्र लेखन से 4 नंबर का, अनुच्छेद लेखन से 7 नंबर का, कुछ इस प्रकार से हमारे पेपर्स रहने वाले हैं। एंड फाइनली चलिए हम फटाफट ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के माध्यम से एक नंबर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण हो सकता है इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काव्यखंड। देखो काव्यखंड से पहला वाला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कबीर की एक रचना क्या है। कबीर दास जी को आप सब सुने होंगे, उनकी कविताएं सुने होंगे, सॉरी उनके दोहा जरूर सुने होंगे, तो उनमें से इनकी एक रचना कौन सा है, तो यहां पर साकेत दिया, बीजक दिया, कुरुक्षेत्र यामा, तो इसका सही आंसर आपका बीजक हो जाएगा, बीजक उनकी रचना है। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो रसखान जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आपको यहां पर कृष्ण लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म सिंपल सा आप लगाएंगे कौसानी गांव में हुआ था, ठीक है, ये यूपी में है, कौसानी गांव, केसल एसल नहीं है, कौसानी है, ठीक, यूपी में है। नेक्स्ट छायावाद के प्रमुख कवि ये नहीं पूछेगा, हाँ वीर गाथा काल के श्रेष्ठतम महाकवि कौन से हैं, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं प्रेम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि, ये भी नहीं आएगा एग्जाम में, स्किप कर दो। नेक्स्ट देखते हैं कि वात्सल सम्राट किसे कहे जाते हैं, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है वात्सल सम्राट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास जी, सूरदास को वात्सल सम्राट माने जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहां से कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, चलिए यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं आना, आप इन्हें स्किप कर दे सकते हैं, ठीक। बाकी एक नंबर सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन मत लो, वो सब आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं जुड़े तो प्लीज जाइए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और अगर आप क्लास नाइन्थ के मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए एक टॉपर सीरीज ग्रुप बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है मुझे उन सही बच्चों को टॉप कराना जो किसी कारणवश अच्छे स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज जाओ जाकर के जुड़ो, 1000 सीट अवेलेबल है जिसमें से 500 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो आप जाकर के जल्दी से जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है, तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, धार्मिक स्थलों पर आदि आदि जगह ईश्वर को ढूंढना फिरता है। चलिए अब स्टार्ट होते हैं हमारे दो नंबर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो मानसरोवर का मतलब होता है मन रूपी सरोवर, अर्थात पवित्र हृदय, कवि कह रहा है कि मानसरोवर मतलब हमारा पवित्र हृदय है, ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो कवित्री घर जाने की चाह से वह तात्पर्य है कि वह अपने मुक्ति की कामना, इसलिए मुक्ति की कामना के लिए ईश्वर के पास जाना चाहती है, तो घर जाना मतलब ये नहीं कि अपने होम टाउन जाएगी, ठीक है, वो चाहती है कि घर जाना मतलब हम ईश्वर के पास जाएंगे और हम अपनी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ठीक। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हिंदू धर्म में अगर आप खूब अच्छे अच्छे काम करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, खूब अच्छे अच्छे काम मतलब जैसे धार्मिक कार्य करते हैं, किसी भी मासूम जीव जंतु की हत्या नहीं करते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, एंड कवित्री भी यही चाहती थी। नेक्स्ट कहता है जो आपके एग्जाम में आएगा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, तो हथकड़ी क्या होता है, वैसे तो अपराधी को बांधने के लिए काम करता है, हथकड़ी देखियोगे ना पुलिस जो ले रहते हैं, हाँ वही हथकड़ी बात कर रहा हूं, वो तो वैसे अपराधी को बांधने काम करता है, लेकिन जो देश प्रेमी है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए हथकड़ी गहने से कम नहीं है, मतलब उनके लिए गहना है, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारे देश प्रेमी लोग को जेल भी हुआ था, है ना, तो देखो अपराधी को जो बांधते हैं वो हथकड़ी हथकड़ी है वो सजा के रूप में, लेकिन जो देश प्रेमी को बांधते हैं और जेल ले गए थे वो उनके गहने से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने महान कार्य के लिए इसे पहना था, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है, बहुत आसान है यार, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएगा कि कोयल को कूक सुनकर कभी माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है, तो सिंपल सा, कोयल की कूक सुनकर के माखनलाल चतुर्वेदी अपने को असहज महसूस करते थे, क्यों, क्योंकि उनको लगता था
कि कोयल जो है वो बंद कोठरी में नहीं है, वो बढ़िया उड़ती है खुले एकदम विचारधारा से, बढ़िया एकदम उड़ रही है फ्लाई करती है, उसका एकदम चिल है जिंदगी, उसकी जिंदगी में खूब मजे है। लेकिन कभी माखन कहते हैं कि यार हम तो उसमें बंद है, एकदम काल कोठरी में बंद है, हमें कहीं निकलने नहीं दिया जाता, हम अपने काम में दिन भर लगे रहते हैं। कोयल जैसे वो बड़ी स्वतंत्रता से उड़ी, इसलिए उन्हें ईर्षा होती थी, इसलिए उनकी कूक सुनकर के उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से क्यों ईर्षा हो रही थी। सेम वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि वो स्वतंत्र होकर के उड़ती थी और वो ऐसा मानते थे हम काल कोठरी बंद है, इसलिए उन्हें ईर्षा होती थी। बस भाई साहब इतना क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिला था कि कवि पंत ने गांव को हरता जनमानस क्यों कहा है। ठीक, तो कवि ने गांव को हरता जनमानस इसलिए कहा है क्योंकि खेतों में अनेक फसल फल फूल रहे थे। ठीक है, वह खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई थी। ठीक है, और क्या देखेंगे, आम के पेड़ों पर मंजरियाना आने से वातावरण की महक रही थी, इसलिए वो अपने को हरता जनमानस कहा है। हरता जनमानस का मतलब ये होता है कि कभी चाहते थे कि ये सब काम मतलब हम कर ही नहीं पा रहे हैं और हमारे चारों तरफ हो रहा है, मतलब हम कोई सक्सेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ की हरियालियां बढ़िया खिलखिला रही है, मधुमक्खी बढ़िया भंवरा रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से उनका कहना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों। तो एक साल बारिश न होने से लता बहुत बेचैन हो रही थी। ठीक है, और वह किवाड़े पर खड़े होकर के दे रही थी यार कि बारिश कब होगा, हमारे मेहमान कब आएंगे। एंड फाइनली जब उसके प्रीतम उस दिन आ गए, मतलब प्रीतम मतलब बारिश आ गई, तो एकदम खिलखिला उठी और बहुत खुश हुई थी। बस इतना आपको लिखना था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी आप कहिए, किताब उठाकर तुम पढ़ लेना, जो बताया वही है। एंड 100% यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा सुनो, अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज पर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को वहां पर फायदा मिल रहा है। क्लास 10th के बच्चे पूरे तबाही मचा के रखे हैं, पता है आपको। आज देखना, आज इंग्लिश का पेपर है। ठीक, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, देखना उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, है ना। हर एक एग्जाम उनका बहुत अच्छा गया यार, गणित में 75 में से 71 नंबर मेरे बताए हुए पेपर से आ रहे हैं। ठीक है, उनका हिंदी में, अरे हिंदी का तो बातें छोड़ो, पूरा 100% आया था, है ना। तो इस प्रकार से है यार, जाओ एक बार जुड़ो। तो अरहर और सनई से कभी कैसे दिखाई देते हैं। तो अरहर और सनई के अनुसार कभी खेत को देख करके कभी को ऐसा लगता है कि मानो धरती अपने कमर पर सुनहरे रंग की घुघरेले वाली करधनी पहन ली है और वो किंकड़ियों की आवाज आ रही है। किंकड़ी मतलब जो नहीं होता पायलट पहन लो, छिन 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 ऐसे आवाज आता है। अरे सुने हो गए यार, पिक्चर छिन 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 छिन, पता नहीं कैसे आवाज आता, मैं तो नहीं बजा पाऊंगा, मेरे पास यहाँ पर है भी नहीं, तो मैं बजा सुनाता, है ना। कभी नाचेंगे लाइव आके तो देख लेना, जब मैं भी पहनूंगा बढ़िया क्या नाचने वाली क्या क्या पहन लेते हैं। ठीक है, तो फिर तुम देखना मुझे। चलिए, छायावाद के बारे में नहीं पूछेगा, नेक्स्ट को आपके एग्जाम में आएगा कि हाँ, भक्ति काल को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है। तो भक्ति काल समन्वय परक लोक चेतना तथा सदयंत से पूर्ण काल है, जिसे विभिन्न वर्गों वर्ण ग्रस्त सामाजिक भेदभाव कर्मकांडों के विरुद्ध आंदोलन भावनात्मक और मानवीय मूल्यों के होने के कारण इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। बस इतना आपको लिखना है जी। ठीक है, चलिए बेटा, बाकी सुमित्र नंदन पंत के भाव सौंदर्य नहीं पूछे, कुछ स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट छायावाद की विशेषताएं आप पढ़ लेना, तीन विशेषताएं आपको रटना है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, लेकिन 3 विशेषता लिखकर जाना है। पहला, प्रणय की अनुभूति प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होता था, मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, भाषा का प्रवाह, ये तीनों चीज आप याद रखना। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये माखनलाल चतुर्वेदी और इनके बारे में सब अलग अलग से वीडियो लेकर जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, ऊंचे कुल में जन्मिया, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, देख लो संदर्भ प्रसंग अर्थ, इसको अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको देखना है 8वां नंबर, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखना है 9वां नंबर, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपका पूरा एक इकाई कंप्लीट होता है। लो भाई, अब सेकंड इकाई है आपका काव्यबोध, जल्दी मिलेंगे सेकंड इकाई के साथ, काव्यबोध को बहुत अच्छे समझेंगे, टेंशन मत लो यार। इस प्रकार से कक्षा 10वीं के बच्चों को टॉप करा रहा हूं, तुमको भी टॉप कराऊंगा, जल्दी तुम्हारे सामने एक एक प्रश्न का उत्तर भी लेकर के आऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा, टेंशन मत लो बेटा, बस जुड़े रहो, डेफिनेटली अपने स्कूल के टॉपर तुम बनोगे। लेकिन अभी से आप ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप में लिमिटेड सीट है, ज्यादा जगह नहीं है, ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे, लगभग 500 बच्चे, हाँ 500 है शायद ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, इसलिए जाओ जल्दी जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।